वेलकम बैक। प्रोग्राम नंबर टू के हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं, अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। अब हमें रोम्बस मालूम करना है, द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं हम इसका। रोम्बस का फॉर्मूला और ट्रायंगल का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस प्रोग्राम में। नई सोर्स फाइल बनाते हैं हम लोग, और जो हमने ट्रायंगल का ये जो फॉर्मूला पहले कॉपी किया था, इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें ट्रायंगल के बजाय रोम्बस लिखना है, बाकी सारा हमारा जो कोड होगा वो सेम रहेगा। तो जल्दी से हम लोग ये काम कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करना कि ये सारा कोड दोबारा से लिखो, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो। ठीक है, यहाँ प्रिंट एफ के अंदर भी मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बजाय लिखता हूँ रोम्बस, बेस, हाइट, ये सब सेम रहेगा। ट्रायंगल के बजाय मैं लिख दूंगा यहाँ पर रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज परसेंट 4.2 f, और यहाँ पर इसका वेरिएबल भी चेंज कर देंगे, ट्रायंगल के बजाय लिख देंगे दोबारा से रोम्बस। ठीक, इसको कंपाइल करके रन करते हैं, फाइल सेव करते हैं। प्रोग्राम 2_3.c सेव करते हैं। बेस रखते हैं हम लोग 5, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेटली किया है। बेस के बाद हाइट लिखते हैं हम लोग 6, एंटर करते हैं। हमारे पास आंसर आया 15। जो हमारा आंसर ट्रायंगल में आया था, वही आंसर हमारा यहाँ पे रोम्बस में आया था, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम था। प्रोग्राम इजी था, उम्मीद होगी कि कोई सवाल नहीं होगा आपका। अल्लाह हाफिज़।